guys think? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं quadrilaterals. तो उसके नाम में ही है quad. Quad का मतलब होता है चार. तो quadrilateral बना लेते हैं सबसे पहले. ये क्या है? Quadrilateral है. हम सबसे पहले इसकी नेमिंग कर देते हैं. कुछ भी हम इसको नाम दे सकते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया है ए बी सी और डी. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये चार क्या है, इसके कोने हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस. तो इसके अंदर चार वर्टिसेस हैं. ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. इसके अंदर चार वर्टिसेस हैं और ये जो लाइन सेगमेंट है यानी कि ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चार लाइन सेगमेंट्स हैं जिनसे मैंने इनको बना दिया है क्वाड्रिलेटरल को. तो ये जो चार लाइन सेगमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? साइड्स. तो इसकी साइड्स भी कितनी हो गई हैं? चार. ये चार साइड को अगर मैं इस तरीके से ऐसे जोड़ दूं तो मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल आ जाता है ए बी सी और डी. इसी तरीके से तो बना है क्वाड्रिलेटरल. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल्स भी कितने बनेंगे? चार ही बनेंगे क्योंकि चार ही इसके अंदर साइड्स हैं. तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और ये भी एक एंगल हो गया. तो चारों एंगल्स कितने हो गए इसके? पहला हो गया डी ए बी एंगल डी ए बी एंगल ए बी सी ए बी सी. एक हो गया बी सी डी एंगल बी सी डी और एक क्या हो गया? एंगल सी डी ए. तो एंगल सी डी. तो टोटल इस तरीके से हम लिख लेते हैं. तो जब भी हम ऐसे एंगल देखते हैं तो हमेशा जिस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं वो एंगल कहाँ आता है? बीच में आता है. जैसे कि मेरे को पहले लिखना था एंगल ए के लिए, तो मैं कैसे लिखेंगे? डी ए बी. यानी ये वाला एंगल जो है ये मेरा बीच में आना चाहिए. तो ये ए बी में बीच में आया, फिर बी, फिर सी, फिर डी. इस तरीके से हम एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं. तो इसके अंदर चार वर्टिसेस हैं, चार इसकी साइड्स हैं, चार इसके एंगल्स भी हैं, इसलिए इसमें क्या है? क्वाड. अब क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल होता है. ये दोनों साइड्स इक्वल, ये दोनों साइड्स इक्वल, ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है. ये सभी क्वाड्रिलेटरल होते हैं. ऐसे ही स्क्वायर भी है, चारों साइड्स बराबर है इसकी. ये भी क्या है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. इसी तरीके से काइट होती है, ये दोनों इक्वल और ये वाले दोनों इक्वल. टू सेट्स ऑफ इक्वल साइड्स. तो ये भी क्या है? ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है. ऐसे ही अगर आपने पढ़ा होगा तो पैरेललोग्राम होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. रोम्बस होता है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है. तो ये सारे जो है ये क्या है? इन सब में ही चार वर्टिसेस हैं, चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं. तो इसी में, इसी के अंदर जो पार्ट्स आते हैं ये सब इसी का ही पार्ट है. तो ये सभी क्वाड्रिलेटरल ही है. क्वाड का मतलब क्या होता है? चार. तो इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल में ये ए है, बी है, सी है और डी है. अब इसके अंदर साइड्स हैं और एंगल्स हैं, ये दो चीज है इसके अंदर. तो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों क्या है? साइड्स हैं. तो साइड्स भी इसमें दो तरीके की होती हैं, या तो एडजेसेंट हो सकती है या तो ऑपोजिट हो सकती है. ऐसे ही एंगल्स भी दो तरीके के होते हैं, या तो एडजेसेंट होंगे या फिर ऑपोजिट होंगे. अब एडजेसेंट और ऑपोजिट कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइड्स की. सबसे पहले हम साइड्स की बात कर लेते हैं. तो ये चार साइड है मेरे को इतना पता है, लेकिन इनमें से कौन सी एडजेसेंट साइड है, कौन सी ऑपोजिट है, ये कैसे पता करते हैं? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बी साइड को. ये वाली साइड की हम बात कर रहे हैं, ये वाली साइड. तो इससे एडजेसेंट यानी कि इससे मिलती हुई जो भी साइड होगी वो इसकी एडजेसेंट साइड होगी. तो ए बी से कौन कौन सी लाइन मिल रही है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. अब ए बी लाइन ये रही, अब इससे ये वाली लाइन भी मिल रही है और इससे ये वाली लाइन भी मिल रही है. तो ये दोनों इसकी एडजेसेंट साइड होंगी. एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ वाली, इसके बिल्कुल पास वाली साइड जो इससे मिलती हुई निकल रही है. तो ए बी से एडजेसेंट साइड है कौन सी? ए डी. ये इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एडजेसेंट कौन सी है. तो ए बी और ए डी एडजेसेंट है. ऐसे ही
ए बी और बी सी भी एडजेसेंट है क्योंकि ये वाली साइड भी तो उसके साथ मिल रही है, लेकिन ये जो सी डी साइड है ये इससे थोड़ा ना मिल रही है, ये इस साइड से नहीं मिल रही है। तो ये दोनों कौन सी साइड होती हैं जो एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं, वो होती है हमारी ऑपोजिट। तो ए बी और सी डी क्या है, ऑपोजिट साइड्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे साइड्स की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों हो गई हमारी एडजेसेंट, ये हो गई ऑपोजिट। अब ऐसे ही अगर मैं बी सी लाइन को देखूं तो बी सी से मिलती हुई कौन कौन सी लाइन्स हैं, ये वाली भी जा रही है और ये वाली भी जा रही है। तो हमें सिंपली देखना है अगर मेरी ये वाली बी सी लाइन है तो इससे मेरी ये वाली लाइन भी जा रही है और ये वाली लाइन भी जा रही है, ये डी की तरफ और ये ए की तरफ। तो ये फिर से दोनों लाइन क्या हो जाती है, इसकी एडजेसेंट साइड्स। अब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए ये वाली एडजेसेंट है और ये वाली एडजेसेंट है। तो ये सारी साइड्स जो है ये क्या है, एडजेसेंट है एक दूसरे के। तो ए बी जो है ये एडजेसेंट है ए डी के, इस वाली के और बी सी के। अब बी सी साइड जो है वो हमारी एडजेसेंट है फिर से ए बी के और ऊपर वाली यानी कि सी डी के। तो देखना है कि उस लाइन से कौन कौन सी लाइन निकल रही है, उन लाइन्स का आपको नेम देखना है और उनको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब ऐसे ही जो हमारी सी डी लाइन है उससे निकल रही है मेरी डी ए लाइन और सी बी लाइन। अब ऐसे ही जो डी ए है इससे मिलती हुई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो यानी कि सी डी और ए बी ये सारी एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब एक साथ वाली जो उसी लाइन से निकल रही है, तो ये सारी एडजेसेंट है। तो मैंने चारों लाइन के लिए लिख दिया है कौन कौन सी एडजेसेंट इसकी साइड्स हैं, ये सारी एडजेसेंट हो गई। अब ऑपोजिट वो है जो इससे नहीं निकल रही है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट यानी बिल्कुल इसके सामने वाली जो होगी वो ऑपोजिट है। तो ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी के ऑपोजिट कौन सी साइड दिख रही है, यानी बिल्कुल इसके सामने देखना है। ए बी के बिल्कुल सामने क्या है, सी डी। तो ये दोनों ऑपोजिट, दोनों ऑपोजिट साइड। अब इसकी बात करूं तो इसके ऑपोजिट ये, तो ए डी के ऑपोजिट कौन सी है, बी सी। अगर बी सी की बात करूं तो इसके ऑपोजिट क्या होगी, फिर से ए डी। तो ये सब क्या है, आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ये तो हो गई साइड्स की बात, अब हम कर लेते हैं एंगल्स की बात। हमारे पास में यही क्वाड्रिलेटरल है, इसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैंने दिखा दिया है चार एंगल होते हैं, एक ये है एक ये है एक ये है और एक ये है, क्योंकि चार साइड है तो चार ही एंगल बनेंगे इसके। तो चार एंगल में से अब हमें बताना है कि एडजेसेंट कौन सा है और ऑपोजिट कौन सा है। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होंगे जो हमारी सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि जिनके पास हमारे में कॉमन साइड होगी। वो दो एंगल्स एडजेसेंट कब होंगे, जब उनमें एक कॉमन साइड होगी। कॉमन साइड, साइड तो मैंने दिखा दिया आपको, साइड क्या है, ए बी साइड है, बी सी भी साइड है, सी डी भी साइड है और डी ए बी एक साइड है, ये चारों साइड्स हैं। तो जिन दो एंगल्स में एक कॉमन साइड आ रही होगी वो दोनों क्या बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो अब देख लेते हैं, ए बी एक साइड है, ठीक है, ए बी एक साइड है। अब इन दोनों में क्या दिख रही है, ए बी साइड कॉमन दिख रही है। अगर मैं इस एंगल को देखूं और इस एंगल को देखूं, ये दोनों एंगल कहाँ आ रहे हैं मेरे, ए बी साइड के ऊपर आ रहे हैं। तो ए बी साइड जो है वो इन दोनों में कॉमन है, तो यानी ये जो साथ साथ वाले एंगल है ये दोनों क्या माने जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स माने जाएंगे। ऐसे ही ये जो डी और ए है, क्योंकि इनकी लाइन भी क्या है, देखो सेम ही है, डी ए साइड है या फिर इसको लाइन बोल सकते हैं, डी ए ही साइड है और एंगल डी और एंगल ए ये दोनों भी साथ में ही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यही दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स, और ये दोनों क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स, इसी से जो निकल रही हैं। तो जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं वही दोनों क्या होंगे, हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ऐसे ही ये वाले दोनों एंगल्स जो है हमारे साथ साथ में आ रहे हैं, सी और डी, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है तो कॉमन साइड हो गई इन दोनों में। तो सी डी इज द कॉमन साइड, तो एंगल सी और एंगल डी जो हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब जैसे हम इसमें ऑपोजिट देख रहे थे साइड के लिए यानी बिल्कुल सामने वाला, ऐसे ही हम क्या देखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स। तो यानी कि एंगल मेरा ए यहाँ बन रहा है तो इसका ऑपोजिट एंगल क्या बनेगा यहाँ पे, तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स। और एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों भी ऑपोजिट हैं दूसरे के। तो ऑपोजिट कब हुए, जब इनकी कोई कॉमन साइड नहीं थी, क्योंकि एंगल बी यहाँ बन रहा है एंगल डी यहाँ बन रहा है तो इनकी साइड कॉमन कैसे आएगी, नहीं आ पाएगी। कॉमन साइड तो देखो एंगल बी की कहां आ सकती है, या तो सी के साथ क्योंकि बी सी है, या फिर ए के साथ क्योंकि ए बी है,
डी के साथ तो कभी आई नहीं सकती कॉमन साइड, क्योंकि वो तो है ही दूसरी तरफ। तो ऐसे देखते हैं हम इसमें बिल्कुल सीधा करके, ऑपोजिट एंगल्स इस तरीके से देखे जाते हैं, और साथ साथ वाले क्या होंगे, बिल्कुल एडजेसेंट होंगे। तो एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ में, और ऑपोजिट मतलब बिल्कुल उसके सामने। तो ये थी एडजेसेंट एंगल्स साइड्स की बात, और ऑपोजिट एंगल्स और साइड्स की बात। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि कोई भी हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल है, ये मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल है, फिर से नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसमें मेरे को पता है चार एंगल्स हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए इन चारों एंगल्स का सम कितना है, क्योंकि ये हमारी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उन सभी एंगल्स का सम कितना है। तो मतलब कि एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है और एंगल डी है इसके अंदर। इन सबको अगर आप सम करोगे, या फिर किसी भी तरीके का आप बना सकते हैं, इस तरीके का आप बना देंगे, उसका सम कर लेते हैं, तो सबका जो सम आएगा अगर आप देखेंगे तो वो 360 के बराबर ही आएगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे, उन सब एंगल्स का सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 360 के इक्वल आएगा। अब ये तो मैंने बात की इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर, तो यानी अंदर वाले एंगल्स की मैंने बात की है। तो ये था इंटीरियर एंगल्स के लिए। अब ऐसे ही होता है एक्सटीरियर एंगल्स के लिए भी। अब जैसे मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है, तो आप इसमें लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड करनी है। तो मैंने ये इस तरीके से बनाना शुरू करा, तो यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर देते हैं, फिर इस तरीके से जाएंगे तो यहाँ पर, फिर ऐसे, और फिर इस तरीके से। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इस क्वाड्रिलेटरल की चारों तरफ से जो लाइन सेगमेंट थी मेरी, मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया है। तो जब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो एक एंगल तो मेरा इसके अंदर बन रहा था क्वाड्रिलेटरल के। अब एक एंगल आप देखो, एक एंगल बाहर भी बन रहा है इस तरीके से। अब ऐसे ही एक एंगल यहां पर बनेगा, यहां पर भी बनेगा, और यहां पर भी बनेगा, क्योंकि लाइन एक्सटेंड हो गई ना, तो एक एक एंगल बाहर भी बनेगा। तो ये थी इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी कि जब सबका सम करोगे तो 360 के बराबर आएगा। अब ये था एक्सटीरियर के लिए, यानी कि बाहर वाले एंगल्स के लिए। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इंटीरियर एंगल्स का मतलब अंदर वाले एंगल्स की प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल्स का मतलब बाहर वाले एंगल्स के लिए। तो बाहर वाले एंगल्स के लिए अगर आप इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, इसका और इसका, यानी चारों बाहर वाले एंगल्स अगर आप सम करोगे, इसको मैं नाम दे दूं स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, तो ये कितना हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तो वो भी कितना आएगा, वो भी 360 डिग्री ही आएगा। तो बस आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस चीज का पता होना चाहिए कि चारों एंगल्स का जब आप सम करोगे तो वो 360 के बराबर आता है। इससे ही आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। और जो ट्राइंगल होता है, इसमें तीनों एंगल्स का अगर आप सम कर देंगे टोटल, वो कितना आएगा, अगर ये भी ए बी सी है तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के अंदर 180 और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर 360 होता है टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस कि किस तरीके से इस क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, वेरिएबल एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे को वेरिएबल है वो दे रखा है एक्स डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पर हम डिग्रीज में ही देख रहे हैं इसका एंगल। तो बाकी एंगल्स मेरे को दे रखे हैं यहाँ पे 70 डिग्री, 130 डिग्री और 80 डिग्री। अब मेरे को तीन एंगल्स दे रखे हैं, चौथा एंगल पूछा है, और टोटल मेरे को पता है कितना होता है 360, तो निकाल सकते हैं चौथा एंगल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें दे रखा है 70 डिग्री है, 130 डिग्री है और 80 डिग्री है। वेरिएबल मेरे को निकालना है एक्स, एक्स डिग्रीज मेरे को नहीं पता। टोटल मेरे को पता है सम कितना होता है 360 डिग्री। तो सिंपल आप इसको अपने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको निकालना है या फिर किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो टोटल सम हमें पता है 360 डिग्री होता है, ये सब हमें दे रखा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स डिग्रीज मेरे को निकालना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल सम
ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का एब्रीविएशन होता है क्वाड, QUAD. पूरा लिखने के बजाय हम सिंपल लिख सकते हैं क्वाड. क्वाड का मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है. इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. मुझे पता है टोटल 360 होता है, तीन मेरे को दे रखे हैं, चौथा पूछा, चौथा निकल जाएगा x डिग्री. तो सिंपल यहाँ पर इनको क्या कर दो, सिंपल एडिशन कर दो और सॉल्व कर दो. कैसे करेंगे, 70 डिग्रीज प्लस 130 प्लस 80, ये तीनों तो मेरे को दे ही रखे हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, प्लस x डिग्री जो दे रखा है उसी को रख दो. तो नहीं पता है तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. यहाँ पे मेरे को सब पता है, 70 है, 13 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ से मैं इसको निकाल सकती हूँ 360 में से उधर माइनस करके. तो जो है उसको यहाँ पर एडिशन कर देते हैं, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 और 8 28, तो ये हो गया 280 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. अब जो निकालना है, यानी कि ये x डिग्री जो मेरे को नहीं पता, जो मेरे को निकालना है उसको यही रहने दो और बाकी सबको उस तरफ ले जाओ. तो ये क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल्स टू 360 तो एज इट इज रहेगा, डिग्री माइनस का 280 डिग्री, क्योंकि यहां पर ये प्लस में था, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके माइनस हो जाएगा. तो ये कितना हो गया 28 से 38, तो यानी कि 80 आएगा. तो x की जो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 80 डिग्री. तो यहां पर आप आंसर में फिर लिख सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, दस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये आपका आंसर हो गया है. इस तरीके से आपको सिंपली यही पता होना चाहिए, सबका सम करके 360 के इक्वल उसको रखना है, बाकी सिर्फ क्या है, प्लस माइनस ही है सिंपल. तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे पास में इस तरीके से है, चार एंगल्स है हमारे पास में. यहाँ पर लिखा हुआ है, जब इस तरीके से बना हुआ होता है और लिखा भी नहीं है तब भी हमें पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है, कि 90 डिग्री का एंगल है. तो यहाँ पर हमें लिखकर भी दे रखा है कि 90 डिग्री है. दूसरा एंगल कितना दे रखा है, 150. तो एक मेरे को दे रखा है 90 डिग्री का, दूसरा भी मेरे को दे दिया है 150 डिग्री. यहाँ पर तीसरा दे रखा है W डिग्री, क्योंकि मेरे को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वेरिएबल ही दे रखा है W. और चौथा एंगल मेरे को दे रखा है 2W डिग्री. ये चारों एंगल्स हैं जो मेरे को दे रखे हैं. अब सिंपली मेरे को चारों तो दे दिए, सिंपल मेरे को पता है टोटल कितना हो जाता है 360 इक्वल. तो हम सिंपल जो लिखा है उसी को यहाँ पर लिख देंगे, 90 प्लस 150 प्लस W डिग्री प्लस 2W डिग्री इज इक्वल टू, टोटल समय पता है 360 के इक्वल होता है. अब 9 और 5 कितना हो जाएगा 24, तो 240 डिग्री प्लस, यहाँ पर 1W है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो उसको 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1W डिग्री है, यहाँ पर 2W डिग्री है. तो 1 प्लस 2 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3W डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को यहाँ से ये W की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे ये W की वैल्यू निकालनी है, तो इसको यहाँ पे रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ. तो ये 240 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो 3W डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस का 240 डिग्री. तो 24 और 34 और कितना हो गया 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 3W डिग्री. अब यहाँ से W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इधर डाल दो उसको, W डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री डिवाइड बाई 3. अब 3 चौक होता है 12, तो कितना आ गया 40. तो W डिग्री कितना आ गया 40 डिग्री, यही आंसर है. तो यहाँ पर जो W डिग्री आया है ये कितना आ गया 40. तो फर्स्ट एंगल, यानी कि आप इसको सिंपल बोल सकते हो कि मैंने इसको नाम दे दिया ABCD. तो एंगल A यानी कि जो W डिग्री है ये कितना आया 40, क्योंकि ये वाला एंगल सिर्फ W के बराबर था, तो ये वाला कितना आ गया 40 डिग्री. और यहाँ पर कितना था 2W डिग्री, तो यानी कि एंगल B इज इक्वल्स टू, जो कि मैंने लेट कर लिया है, 2W डिग्री है. इसमें मेरे को W डिग्री से 2 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 2 × 40 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, या फिर जैसे भी आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर सिंपली आपको W की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने दिखा दिया कि एंगल A की भी मैंने निकाल दी वैल्यू, क्योंकि वो W के बराबर थी तो 40 ही आएगी, लेकिन एंगल B 2W के बराबर था तो वो 80 के इक्वल आएगा. वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वेरिएबल की कितनी आ गई 40, तो 40 आंसर है इसका. तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो इस तरीके से दे रखा है, तीन एंगल्स दे रखे हैं, इसको एरो हेड बोलते हैं.
ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। और चौथा एंगल मेरे को दे रखा है एन डिग्री, तो पहला एंगल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 72 डिग्री है ये वाला, ये वाला दे रखा है 25 डिग्री, ये बीच वाला दे रखा है एन डिग्री, एन भी क्या वेरिएबल ही है यानी फाइंड आउट करना है, नहीं पता कितना है। चौथा एंगल दे रखा है ये 30 डिग्री, टोटल मेरे को पता है 360 के बराबर होता है, सबको उठा के रख दो प्लस में लगा दो और इक्वल्स टू रख दो 360 के। तो बीच में हम लिख देते हैं पहले, सबसे पहले 72 डिग्री प्लस का 25 डिग्री प्लस का एन डिग्री प्लस का 30 डिग्री बराबर कितना है 360 डिग्री के, ये हमें पता चल गया। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, 5 और 2 7, 7 3 10 और 2 12, तो 127 डिग्री प्लस एन डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपसे नहीं होता, आप सिंपल यहाँ पर इनको एडिशन कर सकते हैं इस तरीके से, 5 2 7 हो जाएगा, 7 3 कितना हो जाएगा 10 और 2 12, तो 127 आएगा। इस तरीके से आप एडिशन इनका कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। तो एन डिग्री कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, जिसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको यहीं पर रहने दो, बाकी सबको इक्वल्स टू के दूसरे साइड में ले जाओ, सॉल्व करने में आसानी रहती है। तो 360 डिग्री माइनस का 127 डिग्री, तो एन डिग्री हम निकाल देते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, तो 233 डिग्री। तो यहाँ पर जो आंसर है ये है एन डिग्री इज इक्वल टू 233 डिग्री, इस तरीके से आपको निकालना है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है कि हमारे दो एंगल्स जो हैं वो 50 डिग्री ईच है, यानी कि हमारा जो पहला एंगल है वो भी 50 डिग्री का है, जो दूसरा एंगल है वो भी 50 डिग्री का है, और जो बाकी के दो एंगल्स हैं रेस्ट टू एंगल्स वो हमारे इक्वल हैं। बस हमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो दो एंगल हैं वो 50-50 के हैं, और जो बाकी के जो दो एंगल बचेंगे, क्योंकि टोटल 4 होते हैं, बाकी के जो दो एंगल बचेंगे वो दोनों इक्वल हैं, लेकिन पता नहीं कितने डिग्री के हैं, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो जो चीज हमें नहीं पता होती है उसको हम क्या मान लेते हैं x, तो हम मान लेते हैं लेट जो हमें नहीं पता है एंगल्स उनको हम सीधा x मान लेते हैं, यानी कि इसमें जो एंगल 3 है मैंने उसको भी x मान लिया और एंगल 4 जो है मैंने उसको भी x मान लिया, कहने का मतलब यहाँ पर ये था। तो मेरे पास पता है दो एंगल्स तो मेरे को पता चल गए 50-50 के हैं, टोटल मेरे को पता है 360 होता है, तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी टोटल सम जो हो जाएगा वो सारे एंगल्स का कितना हो जाएगा 360 इक्वल। इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में, यहाँ पर मैं सिंपली आपको करके दिखा रही हूँ। तो मेरे को पता है पहला एंगल भी मेरा 50 डिग्री का है, दूसरा एंगल भी 50 डिग्री का ही है, तीसरा एंगल को मैंने x मान लिया, चौथे एंगल को मैंने x मान लिया, टोटल सम मेरे को पता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब मेरे को ये भी पता है x है, ये भी पता है x है, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, 50 और 50 कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ था सिंपल, तो उससे आपको पता लगाना है बस कि दो मेरे को पता है 50 डिग्री के हैं और बाकी दो जो हैं वो क्या है इक्वल हैं, तो दोनों को ही मैंने सेम टू सेम मान लिया x, और सिंपली x को यहाँ से सॉल्व कर दो क्योंकि टोटल मेरे को पता है 360 के बराबर ही होना है। तो ये कितना हो जाएगा 2x इधर रह जाएगा, ये 100 को उधर ले जाओ, प्लस में था तो कितने हो जाएगा माइनस में, तो माइनस का 100 डिग्री, 36 माइनस का 10 कितना हो जाएगा 26, तो 260 डिग्री। अब यहाँ से मेरे को ये x की वैल्यू निकालनी है, 2 को क्या ले जाएंगे डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था पहले, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो 260 डिग्री डिवाइड बाई 2, 13 दूनी होता है 26, तो कितना आ गया 130 डिग्री। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये कितनी आ गई 130 डिग्री। तो हमें सिंपली बताना पड़ेगा कि जो बाकी के दो एंगल्स थे वो 130 डिग्री ईच थे, यानी कि एंगल 3 भी 130 का था और एंगल 4 भी 130 का ही था, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है उसके जो चारों एंगल्स हैं उनका ये रेशियो है, यानी कि 2:3:5:8 की रेशियो में वो प्रेजेंट है। इस बार हमें डिग्रीज में नहीं दिया है एंगल, इस बार हमें किसमें दिया है रेशियो में दिया है, तो रेशियो इस तरीके से है 2, 3, 5 और 8 का। तो अब हमें इस रेशियो को किसमें लिखना पड़ेगा डिग्रीज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो डिग्रीज में इसको कैसे लिखेंगे 2x डिग्रीज,
क्योंकि जब हमें कोई चीज नहीं पता होती है, यहाँ पर भी ये एंगल मेरे को पता नहीं है, तभी मैंने कितने लिखा है 2x degrees, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है एंगल कितने का है। तो जब भी कोई चीज नहीं पता होती है तो हम उसको क्या लेट कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर भी जब मेरे को एंगल पता नहीं है तो हम इसे सिंपली x डिग्री से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सम में। तो ये कितना बनेगा 2x degree, ये कितना बनेगा 3x degree, क्योंकि पता तो मेरे को अब भी नहीं है एंगल कितने का है। तो हम सिंपली इनमें क्या कर देंगे, x डिग्री से मल्टीप्लीकेशन। अब ऐसे ये कितना हो जाएगा 5x degree और ये कितना हो जाएगा 8x degree। ये हम लेट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो हम क्या मान रहे हैं कि अब जो मेरे पास एंगल्स हैं, रेशियो तो मैंने वही रखा है ना 2, 3, 5 और 8 का, रेशियो तो मेरा वही है, लेकिन हमें यहाँ से क्योंकि एंगल्स में निकालना है तो एंगल्स किस में होगा, डिग्रीज में होगा। तो सिंपली हम इसमें x डिग्री से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो एंगल्स है अब हमें वो पता चल गया कितने हो गए, 2x degree, 3x degree, 5x degree और 8x degree। टोटल मेरे को पता है अभी कितना है 360 degree के इक्वल। हम डिग्रीज की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो डिग्रीज नहीं रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x degree, ये कितना हो जाएगा 3x degree, ये कितना हो जाएगा 5x degree, ये कितना हो जाएगा 8x degree। चारों एंगल्स को मैंने डिग्री की फॉर्म में रख दिया है, पता है ही नहीं हमें कितने के एंगल्स हैं, इसलिए हमने एक्स 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 ही रखा है सबको। तो ये सब हो गए, अब सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे, 3 2 कितना हो गया 5, 5 5 कितना हो गया 10, 10 और 8 18, तो 18x degree, क्योंकि सब में x x x है। तो सिंपली हमने नंबर्स को क्या कर दिया, एडिशन कर दिया सबका, तो 18 आ गया इज इक्वल्स टू 360 degrees। ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 360 degree डिवाइड बाई 80, 18 उधर होता है 36, तो कितना आ गया कट के 20 degree। तो x की जो वैल्यू आई, ये आई 20 degree। तो अब जब मेरे को x की वैल्यू पता चल गई तो मैं यहाँ से इन एंगल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकती, निकाल सकते हैं। जब x डिग्री पता चल गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाला रेशियो आ जाएगा आपके पास में, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला आएगा, 5 से करोगे तो ये वाला, 8 से करोगे तो ये वाला। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे, पहला एंगल हमने क्या लेट किया था 2x degree, हमने लेट कर लिया था ना 2x degree, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2x degree यानी पहले वाला। तो x डिग्री मेरे को पता है कितना आया 20 degree के बराबर, तो उसको कर देते हैं 2 into 20 degree, कितना आ गया 40 degree। अब दूसरा मैंने क्या लेट किया था 3x degree, तो उसको 3 into x degree यानी कि 20 degree से मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 2 6 तो 60 degree आ गया। अब ऐसे ही 5 into 20 degree करोगे कितना आएगा 100 degree। अब ऐसे ही 8 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 into 20 degree, 8 उधर कितना होता है 60, तो 160 degree। ये किस में आया, डिग्रीज में आया। अगर आप इन सबको भी कैंसिल आउट करोगे ना तो रेशियो क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि देखो कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख के दिखा देती हूँ, ऊपर रेशियो देखो कितना दे रखा था हमें 2, 3, 5, 8, यह मैं रेशियो दिया था। अभी जो मैंने आंसर निकाला है किसमें निकाला है, डिग्री में निकाला है, तो देखो डिग्री में मैं वैल्यू रख देती हूँ, ये थी 40 degree, दूसरी कितनी थी 60 degree, तीसरी कितनी थी 100 degree और चौथी कितनी थी 160 degree। तो रेशियो में लाने का मतलब है हम सिंपलेस्ट नंबर्स में इसको ला रहे हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 से जाएंगे सब, तो सबकी जो जीरो है वो कैंसिल आउट, सबकी जीरो हट जाएगी यहाँ से, एक एक जीरो तो समय से हट रही है, और ये कितना जाएगा 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 2 8 16, सिंपल वही हमारे पास में रेशियो आ गया सबका। तो जो मैंने डिग्री निकाले थे वो ठीक थे, 41 degree, 60 degree, 100 degree और 160 degree। तो ये सब जो है मेरे को रेशियो दे रखे थे, इनको हम डिग्रीज में ऐसे लिख सकते हैं और इस तरीके से इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे 40 degree, 60 degree, 100 degree और 160 degrees। तो अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है एंगल सी भी दे रखा है, एंगल डी भी दे रखा है, और हमें ये वाला एंगल पूछा है। तो ये जो आप बाहर देख रहे हैं ए बी सी डी, ये पूरा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे ए पी बी ए, ये पूरा क्या है, ट्रायंगल है, ए पी बी, ये बीच में क्या बन रहा है, ट्रायंगल, और ये पूरी जो बाहर फिगर है ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल के अगर आप अगर देखेंगे अंदर, तो यहाँ पर मेरे को एंगल सी भी पता है, एंगल डी भी पता है, ये वाला एक पूरा एंगल बी हो जाएगा, ये पूरा एंगल, एक ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल ए हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को ए नहीं दे रखा, बी भी नहीं दे रखा, लेकिन दो एंगल मेरे को पता है। तो सबसे पहले हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं जो हमें दे रखा है,
क्योंकि जो दे रखा है उससे हम और इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, यानी कि बाकी के एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो पता ही नहीं है उसको हम छोड़ देते हैं, सिंपली हम ध्यान देते हैं ये पता है और ये पता है, टोटल हमें पता है 360 बराबर होता है। तो सिंपली जो हमें पता होता है सबसे पहले उसको लिख लेना चाहिए, उसके बाद में हमें देखना चाहिए आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो आगे हम लिख लेते हैं, हमें ये वाला एंगल नहीं पता है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, सिंपल एंगल की फॉर्म में लिख देते हैं, ये हो जाएगा एंगल डी ए बी। ये पूरे एंगल की मैं बात करी, पूरा वाला ये पूरा एंगल ए जो है, ऐसे ही पूरा एंगल ये वाला बी जो है। तो एंगल डी ए बी है यहाँ पर ये वाला, प्लस एंगल सी बी ए या फिर ए बी सी, कैसे भी आप लिख सकते हैं, एंगल बी की बात हो रही है, प्लस 96 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, अंदर की मैंने अभी कोई बात करी नहीं है, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल अगर आप सम करोगे तो 360 के बराबर आना चाहिए। तो ये हो गया 96 और 30 यानी कि 126 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। प्लस का ये वाले एंगल्स यानी कि एंगल ए लिख दो उसको सीधा या फिर इसको एंगल बी लिख दो, बात तो बराबर ही है। ये वाला एंगल भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे एंगल को, एंगल ए को, और ये वाला एंगल बी को। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंगल ए और एंगल बी प्लस 126 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो मेरे को ये दोनों नहीं पता है, इनको यही रहने देते हैं, जो पता है उसको उधर ले जाए और प्लस माइनस करना है। तो ये हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 126 डिग्री, माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 6 4, 5 माइनस 3 और 2, तो 234 डिग्री। अब इससे आगे तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, तो मेरे को पता चल गया है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम कितना है 234 डिग्री। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये मेरे को पता चल गया है। अब मेरा ध्यान किस चीज पर जाएगा कि मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था ए पी बी, मेरे को ये वाला एंगल पूछा है कि ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। ये वाला तो निकाल सकते हैं ना, ये निकाल लेंगे, लेकिन इसका जो बीच वाला एंगल है ये कितना होगा। अब मेरा ध्यान किस चीज पर जाएगा कि यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल की हेल्प से मैं निकाल सकती हूँ कि एंगल कितना होगा, कैसे निकाल सकते हैं। मेरे को पता चल गया ये वाला पूरा एंगल कितना है प्लस ये वाला पूरा एंगल कितना है और ये कितने के बराबर है, 234 के। लेकिन जिस एंगल को मेरे को फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला पी एंगल, एंगल पी मेरे को निकालना है, तो ये वाला पी एंगल कहाँ आ रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ना कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो ये वाला जो पी एंगल है ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ट्राइंगल ए पी बी के अंदर। तो मेरे को किससे मतलब होना चाहिए कि इस ट्राइंगल के अंदर कितना एंगल है, ना कि इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो मेरे को मतलब है कि इस ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल्स हैं, मेरे को ये पता होना चाहिए। तो यानी कि ये वाली लाइन अगर आप देखो, ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, इन पूरे एंगल को काट रही हैं बीच में से। काटने को हम क्या बोलते हैं इसकी लैंग्वेज में, बाइसेक्ट करना। तो ये वाली जो लाइंस हैं ए पी बी पी, ये क्या है, बाइसेक्टर्स है ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए को, ये जो एंगल बन रहा है ना, इसके बिल्कुल बीच में से ऐसे काट रही है इस पूरे एंगल को, और एंगल ऐसे ही वाला एंगल बी बन रहा है, इसको भी बीच में से ऐसे काट रही है। तो ये वाली लाइंस जो है ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो यानी इस एंगल का भी आधा आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, और इस एंगल का भी आधा आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर। तो दोनों ही एंगल से क्या आ रहा है, आधा आधा पोर्शन आ रहा है। तो अगर मैं इस एंगल का आधा पोर्शन की बात करूं, अगर मैं एंगल ए का आधा पोर्शन लूं सिर्फ, तो कहां जा रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर। ऐसे ही एंगल बी का भी अगर मैं आधा पोर्शन लूं इधर वाला, तो वो कहां जा रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर। तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, इसका भी आधा, क्योंकि इधर आधा कटा, इधर आधा कटा, तो इधर भी आधा हो जाएगा। तो 234 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जैसे हम यहाँ हाफ कर रहे हैं वैसे यहाँ भी हाफ होगा। तो 234, 34 का आधा कितना हो जाएगा, 17, 17 में 34 होता है, 17 आ गया। तो मेरे को यहां से पता चल गया है कि अगर मैं इन दोनों एंगल्स का आधा कर दूं और उसका भी सम कर दूं, तो वो उसके भी आधे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मेरे को एंगल जो निकालना था वो ट्राइंगल के अंदर था, ना कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो मेरे को ट्राइंगल के एंगल से मतलब है ना, बाहर वाले एंगल से मेरे को कोई मतलब नहीं है,
तो मेरे को जब अंदर वाला एंगल चाहिए और मेरे को पता है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट भी कितना कर रहा है, आधा, तो मैंने दोनों का कर दिया आधा, इसका भी आधा हो गया, इसका भी आधा हो गया, तो मेरे को पता चल गया कि इस एंगल पे, अब मैं इस ट्राइंगल की बात कर लेती हूँ, अब ये ट्राइंगल यहाँ पर हो गया आधा एंगल ए का, यहाँ पे हो गया आधा एंगल बी का, अंदर जो आ रहा है उसको अगर आप देखोगे तो ऐसे पता चलेगा, यहाँ पर कितना एंगल है वो नहीं पता। अब एक ट्राइंगल का टोटल सम मेरे को पता कितना होता है, 180 डिग्री, ये पता है, ये पता है, टोटल पता है, ये वाला नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, तो कितना हो गया, अब ये वाला मेरा पूरा एंगल ए नहीं था, कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि आधा तो कहाँ जा रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल के लिए भी है और आधा कहाँ है, इस ट्राइंगल के अंदर है, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। अब इस ट्राइंगल के अंदर इसका नाम भी क्या होगा कि एंगल बी का ये आधा है, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस ये वाला कितना रहेगा एंगल पी, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें नहीं पता है, एंगल पी लिख सकते हो या फिर एंगल ए पी बी भी लिख सकते हो, ए पी बी मतलब भी क्या हो गया कि एंगल पी की ही बात हो रही है, तो बात एक ही है, टोटल सम कितना है 180 के इक्वल है, टोटल सम 180 है, इन दोनों का सम मेरे को पता है कितना है, ये रहा फाइंड आउट किया था ना 117, तो 117 प्लस एंगल पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल पी आप यहाँ से निकाल सकते हो 180 माइनस 117 करके, जितना आएगा एंगल पी वही आपका आंसर है। तो इस तरीके क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से सोचना होता है, सबसे पहले बाहर वाले से आप ये बाहर वाले एंगल्स निकाल सकते हो, फिर दिख रहा है कि ये अंदर वाला निकालना है ना कि बाहर वाले से हमें मतलब है, तो अंदर वाला आधा बाइसेक्ट हो रहा है तो आधा आधा ही एंगल्स कर देंगे, एंगल आधा करेंगे तो ये टोटल भी आधा ही हो जाएगा हमारा सम, अब उसको उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, और एंगल पी का हमें टोटल पता है कितना होगा 180 डिग्री, एंगल पी सिंपली प्लस माइनस करके फाइंड आउट हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।